नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की हमारे क्लास में। ये हमारी दूसरी क्लास है वर्ड मीनिंग्स की। सबसे पहले आपको ये बता दिया जाएगा यहाँ पे कि वर्ड मीनिंग्स हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वर्ड मीनिंग्स ही होते हैं एक्चुअल में। जब तक आपको किसी वर्ड का अर्थ पता नहीं होगा, जब तक आप उसका एंटोनिम या सिनोनिम कैसे पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए उसका वर्ड का अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आज की क्लास का पहला हम देखते हैं। पहला हमारा है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है? पहला शब्द हमारा इंग्लिश का क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मानदंड। कुछ लोगों को पता भी होगा क्राइटेरियन, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो क्राइटेरियन मतलब होता है किसी चीज़ का मानदंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमें क्या होता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें स्कूल में पास होने के लिए एक मानदंड होता है, एक मार्क्स का मानदंड होता है कि आपका 100 नंबर का पेपर है, अगर आप 33 नंबर लाएंगे तब उसमें आप पास माने जाएंगे। तो 33 मार्क्स लाना क्या हो गया दोस्तों? मानदंड हो गया, यानी एक क्राइटेरिया हो गया। पास होने का क्राइटेरिया क्या हो गया? क्राइटेरिया क्या हो गया? 33 मार्क्स लाना। समझ रहे हैं दोस्तों? हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक मानदंड तय किया जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं क्राइटेरिया। इंग्लिश में मानदंड को ही क्या बोला जाता है? क्राइटेरिया बोला जाता है। क्राइटेरिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइटेरियन, प्लूरल फॉर्म होता है क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम। एनवी। एनवी मतलब क्या होता है दोस्तों? ईर्ष्या। ईर्ष्या, जब आप किसी से जलते हैं, जब कोई व्यक्ति जल रहा है अपन से या अपन से ईर्ष्या रख रहा है, उसे द्वेष रख रहा है, तो द्वेष या ईर्ष्या को क्या बोला जाता है दोस्तों? एनवी। एनवी, ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर पर डिवॉइड। डिवॉइड मतलब होता है खाली। जैसे कोई डब्बा है वो खाली है, किसी का दिमाग है वो खाली है, तो डिवॉइड का मतलब क्या होता है? खाली, एकदम रिक्त। कोई भी चीज़ अगर रिक्त है, खाली है, उसको बोला जाता है डिवॉइड। डिवॉइड, इसमें कोई विशेष तरीका नहीं है दोस्तों के इसको पढ़ाने के लिए कोई मैं आपको कुछ ट्रिक व्रिक बता दूँ, ट्रिक व्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, बस मैं उसका अर्थ समझा सकता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। आपको याद करना बहुत ज़रूरी है एंटोनिम्स। सिंपल सी बात है, रेगुलरिटी बनाए रखें, रेगुलरिटी बनी रहेगी, आप याद होती रहेंगी चीज़ें, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है? आशावादी। जैसे कोई व्यक्ति है वो आशा रखता है किसी चीज़ पे, मतलब ऐसा व्यक्ति जो निराश नहीं होता, जो हर चीज़ में आशा रखता है कि ऐसा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हमें आशा है। समझ रहे हैं दोस्तों? उस व्यक्ति को बोला जाता है ऑप्टिमिस्टिक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा निराशावादी बातें करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, कुछ करने जा रहे हो, नहीं नहीं ऐसा हम कर ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे लोग निराशावादी होते हैं। जो व्यक्ति आशावादी होते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, नहीं ऐसा करना है, हाँ हम कर लेंगे, तो वो व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो व्यक्ति आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ नंबर पे आते हैं बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु व्यक्ति। दयालु, कोई आदमी, स्त्री या कैसा भी कोई व्यक्ति है जो दयालु है, तो दयालु को बोला जाएगा बेनेवोलेंट। क्योंकि बेनेवोलेंस, जब सी ई एन टी की जगह पर जब सी ई आ जाता है तो वो होती है दया या परोपकार, तो वो बेनेवोलेंस करने वाला कौन होता है? बेनेवोलेंट, यानी दयालु। तो बेनेवोलेंट का अर्थ निकलेगा दयालु, बेनेवोलेंस का अर्थ निकलता है दया या परोपकार। ठीक है दोस्तों, उस पर भी हम देखेंगे आगे, एंटोनिम्स आएंगे तो वो भी आएगा, तब हम एक एक शब्द आपको क्लियरली बताएंगे। ठीक है ना दोस्तों, सिक्स्थ पे आएगा डिमोलिश। डिमोलिश मतलब होता है नष्ट करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, एकदम साफ कर देना। समझ रहे हैं दोस्तों? डिमोलिश कर देना यानी डिमोलिश यानी ख़त्म कर देना। जैसे मंगोल शासक थे जिनका नाम था चंगेज़ खान, उन्होंने डिमोलिश कर दिया था, जो भी उनके सामने आता था उनको डिमोलिश कर देते, यानी ख़त्म कर देते, नष्ट कर देते उस जगह। क्लियर है दोस्तों? इसको बोलते हैं नष्ट करना, डिमोलिश। ग्रज मतलब होता है दोस्तों ईर्ष्या रखना। इसमें और इसमें क्या अंतर है दोस्तों? ईर्ष्या और ईर्ष्या रखना, देखिए ये एनवी है, ये एक नाउन है, नाउन मतलब ईर्ष्या का शब्द है एनवी, परंतु ईर्ष्या रखना, जब आप ईर्ष्या रखते हैं किसी से तब उसका मतलब होता है ग्रज। कुल मिला के हम फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, तो ग्रज और एनवी को आप सिनोनिम समझ सकते हो, एक दूसरे समानार्थी समझ सकते हो, पर थोड़ा सा अंतर इसमें ये है कि ये एक नाउन है, ये ईर्ष्या का अर्थ है, और ईर्ष्या जब अपन रखते हैं, ईर्ष्या रखना यानी वर्ब, तब उसको होता है ग्रज। क्लियर दोस्तों? इतनी सी बात है इसमें। ग्रज मतलब भी ईर्ष्या रखना होता है, एनवी मतलब भी ईर्ष्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसको सिनोनिम की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, फ्रेगाइल, और नाइन्थ क्वेश्चन पे फीबल। देखिए फ्रेगाइल और फीबल, इसमें एक ही कमी है, यहाँ पे ए लगाया जाएगा। फ्रेगाइल, एफ आर ए जी आई एल ई, फ्रेगाइल मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर, और फीबल का अर्थ भी होता है कमज़ोर। ये दोनों एक दूसरे को सिनोनिम्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फ्रेगाइल, ये याद करना है आपको, फ्रेगाइल मतलब कमज़ोर, यानी कोई चीज़ अगर कमज़ोर है जो जल्दी टूट जाती है,
या वो व्यक्ति भी कमज़ोर हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कमज़ोर है। तो उसके लिए हम जो एडजेक्टिव है ये फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का अर्थ होता है कमज़ोर। ठीक है दोस्तों, फीबल का अर्थ भी क्या होता है, कमज़ोर होता है। जो चीज़ कमज़ोर होती है उसको क्या बोला जाता है, फीबल बोला जाता है। आपको ये याद करने या रटने हैं कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, टेंथ पे आते हैं फ्लक्चुएट। आपने देखा होगा फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, अस्थिर, यानी कोई चीज़ फ्लक्चुएट हो रही है। अपने यहाँ घर पर बिजली आती है तो बिजली फ्लक्चुएट होती है कभी कभी, फ्लक्चुएट मतलब अस्थिर हो जाती है, वो स्थिर नहीं रह रही, आगे पीछे हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम हो रही है, तो तब उस स्थिति को बोला जाता है फ्लक्चुएट होना, उस स्थिति को बोला जाता है फ्लक्चुएट होना। जैसे कोई चीज़ झूला भी है, जब अपन झूल रहे हैं तो वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी आगे कभी पीछे, ज़्यादा या कम, तब उसको बोला जाता है फ्लक्चुएट होना। ये भी एक वर्ब है दोस्तों, फ्लक्चुएट यानी अस्थिर रहना। ठीक है दोस्तों, अब हम इलेवेंथ पे आते हैं जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होता है, शीर्ष बिंदु। जैसे कि मान के चलिए ये एक माउंट एवरेस्ट की चोटी है, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है सबसे ऊपर का जो पीक है, उस पीक पॉइंट को क्या बोला जाता है, जेनिथ बोला जाता है। सिर्फ माउंट एवरेस्ट के लिए नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है माउंट एवरेस्ट। जैसे अपन भी अपने जीवन में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाते हैं तो हम भी जेनिथ पर पहुंच जाते हैं अपने जीवन में, समझ रहे हैं दोस्तों। ये होता है जेनिथ का मतलब, जेनिथ मतलब पीक पॉइंट यानी सबसे ऊपर का शीर्ष बिंदु। ठीक है दोस्तों, जेनिथ हो गया क्लियर। अब आते हैं एनक्रोच पर। एनक्रोच मतलब आपने कभी कभार सुना भी होगा, रेगुलर यूज में वर्ड है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट होता है दोस्तों अतिक्रमण, तो अतिक्रमण एनक्रोचमेंट है क्योंकि वो नाउन है, अतिक्रमण, अतिक्रमण करना यानी कि एक वर्ब यानी क्रिया, एनक्रोचमेंट करना, तो एनक्रोचमेंट करने को क्या बोलते हैं, एनक्रोच। ठीक है दोस्तों, एनक्रोच, एनक्रोच मतलब ये एक वर्ब है, अतिक्रमण करने को बोला जाता है एनक्रोच और अतिक्रमण को बोला जाता है एनक्रोचमेंट। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। हजार्ड मतलब होता है खतरा, ये आप रट लीजिए, हजार्ड, हजार्ड, हजार्ड मतलब होता है दोस्तों खतरा। आप थोड़ा सा वर्ड को थोड़ा सा अपने तरीके से रिलेट करके, थोड़ा शॉर्ट टेक जैसा भी आपके दिमाग में बनता है वैसा बना के हजार्ड को आप खतरे से रिलेट करिए, हजार्ड मतलब होता है खतरा। ठीक है दोस्तों, 14th पे आते हैं हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है आदर या सम्मान करना। हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये नहीं निकालेंगे दोस्तों कि हॉस्पिटल से संबंधित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हॉस्पिटल से संबंधित ये बिल्कुल नहीं है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, आदर सम्मान। जैसे हम किसी के घर पर जाते हैं और हम वहाँ जाते हैं तो हमें हमारा अच्छा आदर सम्मान होता है वहाँ पर, अगर तो हम ये समझेंगे कि उसने हमारे लिए बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, उसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। आप कहीं पे भी जाएंगे उसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पे अपना आदर सम्मान अच्छे तरीके से किया जाता है, तब हम उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। ठीक है दोस्त, अब आते हैं 15th पे प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है दोस्तों, उकसाना। जब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को आप उकसा रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, व्यक्ति को ही नहीं। जैसे मान के चलो आग है, अगर आग में आप घी डाल रहे हो तो वो आग और ज़्यादा जलेगी, तो आप क्या कर रहे हो, आग को प्रोवोक कर रहे हो, समझ रहे हो दोस्तों। अगर कहीं आग जल रही है आप उसमें पेट्रोल डाल रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, यानी उसको और उकसा रहे हो आग को जलने के लिए, वो और जलेगी। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, चाहे व्यक्ति को उकसाइए, चाहे आग को उकसाइए, चाहे किसी और चीज़ को उकसाइए, जब उकसाने की बात आएगी, उस चीज़ को बढ़ाने की बात आएगी, तब उसको बोलेंगे प्रोवोक करना। क्लियर दोस्तों, 16th पे आते हैं पैम्पर। पैम्पर मतलब क्या होता है, लाड़ प्यार दुलार। ठीक है, पैम्पर मतलब क्या होता है, लाड़ प्यार दुलार। क्लियर, ये आपको सिंपल तरीके से आप ट्रिक से समझ सकते हैं इसको, जैसे भी आप अपना ट्रिक बनाना चाहें। पैम्पर मतलब लाड़ प्यार, जो बच्चों को दिया जाता है वो होता है पैम्पर, लाड़ प्यार। ठीक, स्टेन का मतलब होता है दोस्तों कलंक, दाग या धब्बा। कलंक, दाग, धब्बा मतलब आप समझिए, जैसे आपने कभी सुना होगा स्टेनलेस स्टील, सुना है, तो स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या है, उसमें से जितनी बुराइयाँ थी, जितने भी समस्याएं थी, उसमें कलंक था, जो भी खराब चीज़ थी उसमें, उसको निकाल के सही अच्छी स्टील बनाई गई, यानी स्टेनलेस स्टील, यानी कलंक रहित स्टील है वो, मतलब परेशानी रहित या खराब जो गलत चीज़ है उससे रहित स्टील है वो, स्टेनलेस स्टील वो होती है, इसलिए हम उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टेन का मतलब क्या होता है, कलंक, दाग, धब्बा, यानी कोई कमी, कोई कलंक लग गया हो किसी व्यक्ति पर, कोई दाग लगा हो कि इसमें ये स्टेन है, किसी कपड़े पर दाग लगाओ, किसी जगह पर दाग लगाओ, तो दाग या दाग धब्बे को या किसी कमी को स्टेन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, 18th पे आते हैं लीथल। लीथल मतलब क्या दोस्तों, लीथल मतलब घातक। कई सारे सॉन्ग्स भी आते हैं पंजाबी सॉन्ग जिसमें लीथल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है नायिका के प्रति, कि ये नायिका जो हमारी है वो लीथल है, तो लीथल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, घातक, समझ रहे हैं आप दोस्तों। जैसे गाने वगैरह में नायिका की आंखें बड़ी लीथल हैं, लीथल मतलब घातक। क्लियर दोस्तों, यहाँ आप समझ सकते हैं लीथल मतलब घातक। 9th पे आप देखिए स्कैंटी। स्कैंटी मतलब कमी, किसी चीज़ की कमी आ जाना, किसी चीज़ की स्कैंटी आ जाना, जैसे आपके पास खाने की कमी आ गई तो खाने की क्या आ गई, स्कैंटी आ गई।
किसी भी चीज़ की कमी, उस समय वर्ड इस्तेमाल होगा दोस्तों स्केंटी, इसको रट लीजिए, सारे इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है जो आपको छांट के लेके आया हूँ मैं, यही अधिकतर व्यापम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इनको पढ़ना है, इनको याद करके ही चलना है। प्रतिदिन आप 20 याद करिए, आपको ये 20 बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। प्रतिदिन जब आप 20 याद करते हैं तो 20 दिन में आपको 400 वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएंगे, आप सोचिए आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिए। वल्गर मतलब होता है भद्दा गंदा असभ्य। वल्गर मतलब आपने कई बार सुना भी होगा, वल्गर मतलब क्या होता है, भद्दा असभ्य या गंदा। कई मूवी आती है, कई मूवी में कुछ सॉन्ग्स आते हैं तो उनके बारे में बोला जाता है ये बड़ा वल्गर सॉन्ग है, तो वल्गर सॉन्ग मतलब थोड़ा गंदा सॉन्ग है, थोड़ा भद्दा सॉन्ग है, थोड़ा वैसी चीज़ें उसमें थोड़ा सा दिखाई गई हैं, थोड़ा ज़्यादा की गई हैं, तो उसको वल्गर को बोला जाता है, भद्दा गंदा या असभ्य, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा एंटोनिम सिनोनिम्स वाला तो जो लेक्चर है इससे संबंधित रहेगा, मतलब ये जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं वो इसी वर्ड मीनिंग से ही बनते हैं, इसलिए आप ये मत समझिए कि सर एंटोनिम्स का अलग से लेके आए, सिनोनिम्स का अलग से लेके आए, वर्ड मीनिंग्स का अर्थ आपको पता होगा, आप एंटोनिम सिनोनिम्स इजीली छांट पाएंगे कौन सा इसका एंटोनिम होगा, कौन सा इसका सिनोनिम होगा, इसलिए आप वर्ड मीनिंग्स को ध्यान से पढ़ें। ये जो हमारी जो सीरीज़ हमने चलाई है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए इसको देखें। जय हिंद। ये क्वेश्चंस आप ये ना समझें कि ये पता नहीं सर कुछ इधर उधर से लेके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं, ये वही एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, ये वही वर्ड मीनिंग्स हैं जिनसे पहले व्यापम क्वेश्चंस पूछ चुका है, ये वही हैं और इनसे ही पूछता है व्यापम अधिकतर, ये बहुत ही ज़रूरी व्यापम के लिए ज़रूरी वर्ड मीनिंग्स हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।